पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हतीन विधानसभा क्षेत्र के गांव बावनी खेड़ा में जनसंवाद किया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 4,39,00,000 रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बावनी खेड़ा के 3 मंजिला नए भवन का शिलान्यास भी किया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने दादरी क्षेत्र के कई गांव में जनसंवाद किया है। जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने जनसमस्याएं सुनी और मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को समाधान के बारे में निर्देश दिया। रतक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मोर्चा और प्रकोष्ठ और विभागों की बैठक की है, जहां ओम प्रकाश धनखड़ ने चौधरी वीरेंद्र सिंह की जींद रैली बीजेपी जेजेपी गठबंधन को रहने पर पार्टी छोड़ने की कही बात को लेकर के कहा है। वे हर साल ऐसी रैली करते हैं, उन्होंने जो कहा है उनका अपने क्षेत्र की कठिनाई और एक सीट को लेकर के ये मामला है। उससे पहले भी बीजेपी की रैली थी, तब भी उन्होंने यही बात कही थी। इनेलो महासचिव अभय चौटाला रोहतक में पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कैथल की रैली के लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया है। इस दौरान अभय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी लोकसभा और विधानसभा में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उगलाना की अनाज मंडी में धान की खरीद न होने पर अनाज मंडी के गेट को बंद कर किसानों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए किसानों ने बताया कि धान की एमएसपी पर खरीद न होने के कारण किसान लगातार परेशान है। फतेहाबाद में राशन डिपो धारकों ने अपनी मांगों को लेकर के लघु सचिवालय में रोष प्रदर्शन किया है। फतेहाबाद जिला प्रशासन को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नाम मांग पत्र सौंपा गया है और डिपो धारकों की सबसे पहली मांग है कि कोरोना काल में जान गंवाने वाले डिपो धारकों को राजस्थान सरकार की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। सिरसा कृषि विभाग अब धान की पराली नहीं जलाने को लेकर के किसानों को अब जागरूक करने में जुट गया है। कृषि विभाग ने एक जागरूकता वैन को रवाना किया, जो अलग अलग गांव का दौरा कर किसानों को जागरूक करेगी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गांव-गांव में इकट्ठी की गई मिट्टी को आज इंद्री हलके के खंड कंजूपुरा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विधायक रामकुमार कश्यप पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में मिट्टी को एक मटके में इकट्ठा किया गया। हरियाणा में सीएम फ्लाइंग टीम ने एक्शन लिया है और लगातार अलग अलग विभागों में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सोनीपत के एसडीएम कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है और इस दौरान एसडीएम कार्यालय से 4 सरकारी और 8 कच्चे कर्मचारी ड्यूटी से नजर आते थे। करनाल जिला सचिवालय के एसडीएम कार्यालय में सीएम फ्लाइंग रेड की है। सीएम फ्लाइंग को काफी समय से कम काम में अनियमितता को लेकर के शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम एसडीएम कार्यालय में जांच के लिए पहुंची। बराड़ा पुलिस की ओर से बराड़ा चौकी में जागरूकता को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में 3-व्हीलर चालकों ने हिस्सा लिया है। बैठक में डीएसपी ने 3-व्हीलर चालकों को दिशा निर्देश दिए। चुरखीदादरी सिविल अस्पताल में लोग बेहतर उपचार करवाने की आस लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहां मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों का उपचार अब चिकित्सक नहीं बल्कि वार्ड बॉय के जिम्मे है। वहां मरीजों को वार्ड बॉय अपने हिसाब से ही दर्द या अन्य तकलीफ में इंजेक्शन लगाते हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फतेहाबाद की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एचएसएनसीबी की टीम ने चेकिंग के दौरान एक शख्स की कार से 1 किलो 520 ग्राम अफीम बरामद की।
बल्लभगढ़ के निजी अस्पताल में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि युवक एक्सीडेंट में मामूली चोट के चलते अस्पताल गया था। दिवाड़ी के बावल कस्बे में हुए वेल्डर संतोष हत्याकांड में पुलिस ने 3 महीने बाद फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में ऑटो और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई है, जिसमें ऑटो चालक और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 9 ऑटो चालक और बाइक सवार दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत करके देश और प्रदेश का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने के बाद जहां देश भर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं करनाल में भी लोगों ने नीरज चोपड़ा की जीत की खुशी मनाई है।